कहाँ है देश के गृह मंत्री, और आपसे दिल्ली तो संभल नहीं रही, आप क्या संभालेंगे? अरे भाई, जो तुम्हें दिया हुआ है वो तो संभाल के दिखाओ तुम। भारतीय जनता पार्टी ने देश के कश्मीरी पंडितों को धोखा दिया, क्योंकि इन्होंने उनके नाम पे राजनीति तो की मगर उनको वापस कश्मीर में बसाया नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इतनी भी काबिल नहीं है कि दिल्ली जैसे शहर की कानून व्यवस्था को वो ठीक रख सके? दिल्ली तो राज्य भी नहीं मानते लोग, इसको तो कहते हैं कि ये तो एक शहर है। तो भाई, आपसे एक 50x50 किलोमीटर का शहर नहीं संभल रहा आपसे, आप क्या देश के बॉर्डरों को संभालोगे? एक दिल्ली शहर जो देश की राजधानी है, जिसके अंदर सीबीआई का हेडक्वार्टर है, ईडी का हेडक्वार्टर है, प्रधानमंत्री निवास है, राष्ट्रपति भवन है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सारे मंत्रालय हैं, देश की संसद है, लाल किला है, इंडिया गेट है, आपका पूरा का पूरा तंत्र है, दिल्ली पुलिस है, एनएसजी है, एनआईए, सारे तो हेडक्वार्टर यहां पे आपके। कौन सा ऐसा विभाग है सुरक्षा से जुड़ा हुआ जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है, उसका सबसे ऊपर बैठने वाला अफसर यहां पे है? और आपके ये हालात हैं कि दिल्ली के अंदर हर गैंग तो यहां पे सक्रिय है, कहां है देश के गृह मंत्री? और आपसे दिल्ली तो संभल नहीं रही, आप क्या संभालेंगे? भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली के अंदर कह रही है हमें ये भी दे दो, हमें वो भी दे दो, अरे भाई, जो तुम्हें दिया हुआ है वो तो संभाल के दिखाओ तुम। जम्मू कश्मीर में हमला हो गया, 10 साल से ये तो एक्सपर्ट थे कश्मीर के, ये तो पिछले 50 साल से 70 साल से देश को बता रहे थे कि नहीं, हमें जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी मिल जाए तो हम ये कर देंगे, यही कहते थे ना कि हमें बताओ, हम करके दिखाएंगे। 10 साल से इनके पास कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था है, पहले महबूबा मुफ्ती के साथ ये सरकार में थे, उसके बाद इन्होंने सरकार गिरा के उसको कब्जे में ले लिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, आज भी इनके कब्जे में है वहाँ की कानून व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी ने देश के कश्मीरी पंडितों को धोखा दिया, ये बात देश के कश्मीरी पंडित कह रहे हैं आज। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने उनके नाम पर राजनीति तो की मगर उनको वापस कश्मीर में बसाया नहीं। जो कश्मीरी पंडित अब तक वहाँ पर रह रहे थे, नौकरियां कर रहे थे, उनके सर पे ऐसे लगा लगा के उग्रवादियों ने गोलियां मारी हैं और केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पाई। कल कश्मीर के अंदर जो प्रवासी मजदूर थे उनको चुन चुन के मारा गया, 7 लोगों की हत्या कर दी गई। क्यों कर दी गई? उन्होंने अपना क्लियर मैसेज दिया है उग्रवादियों ने कि हम यहां पे बाहर का आदमी बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र को क्या करना चाहिए था? केंद्र को 5,000 लोग भेजने चाहिए। केंद्र को कहना चाहिए हम भारतीय जनता पार्टी के 5,000 बहादुर कार्यकर्ता भेजेंगे उस टनल के निर्माण के लिए, और वो टनल का निर्माण करेंगे, और जैसे वो जो मिस्ड कॉल खोलते ना, मिस्ड कॉल दीजिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनिए, नहीं नहीं, इनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहिए कि आप बताइए 5,000 लोग कौन है जो कश्मीर में जाएंगे और टनल बनाएंगे। उनको भेजना चाहिए वहां पे और सुरक्षा देनी चाहिए उनको वहां पे फैक्ट्रियां खुलवानी चाहिए। पूरी तरीके से कानून व्यवस्था के अंदर फेल भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने एक्सपोज्ड, क्योंकि ना इनसे कश्मीर संभला, ना इनसे पूर्वोत्तर के अंदर चीन संभला, वो तो छोड़ दीजिए, इनसे दिल्ली ही नहीं संभल रही, दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही।